आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। महाराष्ट्र में गौमांस की तस्करी के आरोप में गौरक्षकों ने दो लोगों को पीटा, एक की मौत, केस दर्ज। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गौमांस की तस्करी के संदेह में गौरक्षकों के एक समूह ने शनिवार रात एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी। मुंबई के कोरला के 32 वर्षीय पीड़ित अफान अंसारी अपने सहयोगी नासिर शेख के साथ एक कार में मांस ले जा रहे थे। जब उन्हें कथित तौर पर गौरक्षकों ने रोका और पीटा तो पुलिस ने बताया कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने दी अहम जानकारी। उप निरीक्षक सुनील भामरे ने कहा कि मौके पर पहुंचने पर हमने कार को क्षतिग्रस्त हालत में पाया। घायल लोग कार के अंदर थे और हमने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा कि घायल व्यक्ति की शिकायत पर हमने हत्या और दंगे का मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने दर्ज किया केस। उन्होंने कहा कि वे वास्तव में गौमांस ले जा रहे थे या नहीं, यह लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले मार्च में महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने के 8 साल बाद गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने के लिए एक आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अदालत ने कहा है कि एक सक्षम प्राधिकारी गाय या बैल के निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी वाहन में प्रवेश कर सकता है और रोक सकता है और तलाशी ले सकता है और उसे जब्त कर सकता है। अदालत ने वध के उद्देश्य से मांस के परिवहन पर प्रतिबंध को भी बरकरार रखा।